अपना फार्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्नेटोइन जेल के बारे में, किसका इस्तेमाल किस किस प्रॉब्लम में करते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेडिसिन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। यह है एक्नेटोइन जेल, जो कि 15 ग्राम की ट्यूब में आती है। और बात करें इसकी प्राइस की, तो इसे आप 75 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और बात करें इसके कंटेंट की, तो इसमें क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटीनामाइड होता है। तो चलिए हम एक एक करके इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, क्लिंडामाइसिन जो होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। और दूसरा है निकोटीनामाइड, ये विटामिन B3 का एक्टिव फॉर्म होता है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि पिंपल क्यों होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं। जब वो पोर्स गंदगी से बंद हो जाते हैं, जैसे कि आप बाहर जाते हैं, डर्ट में जाते हैं, डस्ट से या पसीना आने से, या आपके डेड स्किन से पोर्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनमें वाइट हेड फॉर्मेशन हो जाते हैं। और जब वो वाइट हेड फॉर्मेशन ऑक्सीडाइज होता है, तो उसमें ब्लैक हेड में बदल जाता है, और फिर उसी में बैक्टीरिया ग्रो करके पिंपल मुहासे में बदल जाते हैं। जो क्लिंडामाइसिन है, वो बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। लेकिन जो निकोटीनामाइड है, वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पिंपल होता है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, स्किन पर रेडनेस हो जाती है, वहाँ पर आपको पेन भी होता है, तो वहाँ पर निकोटीनामाइड जो होता है रेडनेस को कम करने का काम करता है। इसके साथ ही बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में नियोसिनामाइड होता है, जिसको हम निकोटीनामाइड भी कहते हैं, क्योंकि निकोटीनामाइड जो होता है आपके स्किन टोन को फेयर करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को इवन करता है, जो आपकी स्किन में पिगमेंटेशन होता है उसे कम करने का काम करता है। तो यह दो कंपोनेंट से मिलकर बनी कॉम्बिनेशन क्रीम है, जिसमें एक एंटीबायोटिक और दूसरा निकोटीनामाइड होता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस क्रीम का इस्तेमाल ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है, और यह डेफिनेटली रिमूव करता है। और इसका सेकेंड बेनिफिट यह है कि अगर आपकी स्किन में बहुत सारे एक्ने हैं, तो यह एक्ने को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन को फेयर करता है। अगर आपके फेस पर थोड़े से भी पिंपल हो रहे हों या एक्ने हो रहे हों, तो आपको इस जेल को उस जगह पर लगाना होता है। यह डेफिनेटली वर्क करता है और आपको यह क्रीम 100% रिजल्ट भी देता है। थर्ड बेनिफिट इसका यह है कि अगर आप कोई क्रीम लगा रहे हों और इस क्रीम की वजह से आपके फेस पर रेडनेस, सूजन जैसे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, तो ऊपर से आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यह काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। फोर्थ बेनिफिट इसका यह है कि अगर आपके स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या आपके स्किन में इचिंग हो रही हो, तो आप इस जेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। दोस्तों, यह जेल 100% रिजल्ट देता है, यह आपके फेस को फेयर करता है, इसके साथ ही यह कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस जेल को कैसे लगाना है। तो अगर आप इस क्रीम को यूज़ करते हैं, तो आपको इस दिन में एक बार लगाना है जहाँ जहाँ पर पिंपल और दाने हो रहे हों। अब बात करते हैं इसके कुछ सावधानियों के बारे में। तो जेल को यूज़ करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद ही इस क्रीम को लगाएं। क्रीम को यूज़ करने के बाद इसे टाइटली क्लोज कर दें। तो दोस्तों, यह थे इसकी कुछ सावधानियां। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आपको यह क्रीम सूट नहीं करती है, तो आपके स्किन पर ड्राइनेस हो सकती है, जैसे आपकी स्किन बर्न हो जाती है वैसे हो सकता है, पपड़ी जैसे बनकर निकल सकता है, वहाँ पर आपको जलन भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यह क्रीम आपको सूट नहीं कर रही है। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बने रहते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों, यह था एक्नेटोइन जेल का कंप्लीट रिव्यू। अगर आपको इस जेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।